पर ये इतनी तेज और हम जा रहे हैं आपके ये राइड ड्राइवर साहब ड्राइवर ड्राइवर आराम से लेना जरा भैया हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने वो पापा लगा रहे ताला ये है हमारा चटर पटर आज ये सब घूमने आए थे क्योंकि आज चैलम थे तो सबका पोपट हो गया है कितनी बारिश हो रही है ये देखो कितनी भीड़ है जा रहा है ताजिया वो ताजिया जा रहा है ये तो गड्ढा है ना लेकिन आज जन्माष्टमी भी है और चैलम भी है तो इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है ये देखो देखो को पूरा कवर कर दिया गया है उससे जिससे वो ज्यादा गीला ना हो और यहाँ कुछ एंटरटेनमेंट चल रहा है नींबू क्योंकि हमें करना है जादू टोना नींबू आए हैं मंडी यहाँ पे नींबू लेने क्योंकि वो बहुत महंगा दे रहा था ज्यादा रोड ब्लॉक कर देते हैं ना कि साइड में होके भी नहीं चलते ये है ताजियों का करबला इसमें ये एक ताजिया यहाँ पे साइड में होके चलना चाहिए ना तो पूरा तभी तो मेले बंद करना चाहिए सरकार अपनी पार्टी चालू करती है अपनी अरे हमारी चाट चटोरी हो गई है खत्म अब हम लेने जा रहे हैं अपनी चाट चटोरी क्योंकि वो हमारा घर जाने का प्लान था लेकिन अब इतना दूर आ गए हैं वो ट्रैफिक के चक्कर में उन्होंने बोला कि इधर से जाओ तो फिर हम ट्रांसपोर्ट नगर से भी आगे आ गए तो अब हमने सोचा कि थोड़ा हम लंबा ही निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे आई स्लीपर बैठी है इसमें वो बहुत स्लिप हो रही हमें कुछ भी नहीं मिला कार का है अपनी ये चलो 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 चलते हैं तो नहीं रुके आप अरे यार जियो दिख भी नहीं रहा जियो पेट्रोल पंप A few moments later ये घर की हालत क्या हो रही है रिनोवेशन चल रहा है घर पे हम आए अपने नए वाले घर पे जो कि हमारा सागर ताल में था हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे ये बन चुका है कुछ ऐसा वैसा मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इसका होटल लगता था भी अभी ऐसी ही कुछ हो रही है पूरा काम चलो मेरी हेयर स्टाइल की तो ऐसी तैसी हो रही है पता नहीं क्या हो गई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है पता है ये घर पे इसलिए ज्यादा बेटर लगता है मतलब अच्छा लगता है क्योंकि ये देखो ऐसा कुछ व्यू होता है और हमारा जो वो वाला घर है वो कॉलोनी में है लाइक कॉलोनी में है तो उधर से ऐसा व्यू मिलता नहीं है मतलब बहुत रेयर होता है यहाँ से किले का व्यू भी ऐसा कुछ होता है तो और हाँ ये तो दिखाना रह गया ये फांसी का फंदा और तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है और बारिश भी ज़्यादा हो गई है हमारा ये प्लान था कि हम यहाँ आके थोड़ा टाइम चिल विल करेंगे क्योंकि आज मौसम भी अच्छा था प्लस आज जन्माष्टमी थी तो छुट्टी भी थी तो सब लोग थे और आज चैलम भी था तो मतलब यहाँ से साइड सागर ताल पड़ता है वहाँ पे तो ताजिए के लिए बहुत भीड़ होती थी हम वो देखते बट आते आते लेट हो गया उन्होंने वहाँ से बोला कि आप वहाँ से घूम के आओ तो हम पूरा पुरानी छावनी से कवर करके आ रहे हैं यहाँ पे और जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ बारिश हो गई है हम यहाँ पे भुट्टा पार्टी करने वाले थे कि भुट्टे हम सेकेंगे खाते तो मैं मतलब मैंने बोला था कि ऐसा कर लेंगे वहाँ पे घर पे तो भुट्टे ले चलो तो मैं भुट्टे वगैरह मतलब कॉर्नस वगैरह ले आई और रास्ते से हमने खरीद लिया वो सामान वामन सी व्यू बहुत अच्छा आता है गाइस तो मैं पूरी गीली हो रही हूँ मेरा बहुत अच्छा हो रहा है कितनी अच्छी हो रही है और यहाँ भुट्टा बन रहा है आ गए हैं अरे अब हो गया रेडी मैं वो खिलाना जरा ये पूरा जल चुका है नम 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 मजा अब हम जा रहे हैं
The next day. मैं लगा रही हूँ झाड़ू क्योंकि मम्मी है नहीं, तो वगैरह साफ सफाई कर रही हूँ और मुझे आज कंटेंट भी शूट करना है, तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा लाइक 3-4 गैप दिन के बाद या फिर जैसा भी मेरा बनेगा उस हिसाब से मैं अपने व्लॉग्स भी अपलोड करूँगी, व्लॉगिंग करना भी चालू करूँगी क्योंकि वो मैं बहुत एकदम सिर्फ कुछ होता है इवेंट वगैरह तभी मैं करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ, बट आई डिसाइडेड कि मैं वो भी करूँगी अब। हाँ, मुझे लगा स्टोरेज भर गई मैं वो भी करूँगी अब। और मुझे मतलब लाइक 2-3 पार्सल आए हैं, 3-4 हो गए अब तो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो जैसे मुझे टाइम मिला था मैं करती जा रही थी, बट अभी मैंने 3-4 दिन से कुछ भी शूट नहीं किया, तो अभी उनका मुझे कंटेंट शूट करके अपलोड करना है, बहुत सारा काम है। और मैं भी साफ़ सफाई कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मैंने ब्रेकफास्ट में आज बनाया था यम्मी सा पास्ता कॉर्न वाला, तो वो भी मेरे को खाना है। अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ की जल्दी साफ़ सफाई करके खा पी के नहा धो के फिर मैं कंटेंट शूट कर लूँ और अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू करती रहूँगी, तो उस हिसाब से देखते हैं अब आगे क्या होता है। बट मैं बहुत थक गई यार अभी तो, और पता है मुझे काम करते करते मतलब लाइक सोचा था कि मेरे एग्ज़ाम, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के टाइम पे 8 बजे उठ रही थी, मतलब मैं 7 बजे उठ रही थी, 8:30 तक समथिंग मैं जा रही थी, और फिर एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा डिले होने लगा, 9 बजे तक मैं जा रही थी क्योंकि प्रैक्टिकल होने लगे थे, तो वो एक 8-9 टाइमिंग हो रहा था। मैं चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा रूटीन कुछ बनाऊँ, थोड़ा शेड्यूल कुछ बनाऊँ, तो मैं चाह रही थी कि मैं 9-8 समथिंग कुछ उठूँ रोज़ और थोड़ा बहुत मेडिटेशन योगा या वॉट एवर एक्सरसाइज वगैरह करूँ, उससे थोड़ा अच्छा रहता। और जैसे कि आजकल इतना काम पड़ता है ना मतलब लाइक ब्लॉगिंग और ये सब का, तो मेरे नेक में भी बहुत पेन होता है उस चक्कर में, तो सबने सजेस्ट किया है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, तो वो सुबह उठ के ज़्यादा बेटर होता है मेरे को ऐसा लगता है, बट कभी बारिश होती कभी होता है तो उस चक्कर में रह जाता है। एंड मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम के बाद करूँगी, एग्ज़ाम के बाद कर रही हूँ, अभी मेरे को 3 दिन हुए हैं सब एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं मतलब प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ, और मैं 3 दिन से पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक 10:30 उठ रही हूँ, मतलब 10:30 उठ जाता तो फिर इंसान क्या ही कर पाएगा, करने का तो कर सकता है बट फिर मेरा वो हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है मॉर्निंग ही होना चाहिए। हाँ, तो अभी वही हो रहा है, 1 बज गया और मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने कुछ खाया, ना मैंने नहाया, ना मैंने वीडियो बनाई है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है मेरे कंटेंट की। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने एक प्रोडक्ट की ऑलरेडी वीडियो शूट कर ली थी, बट मैं क्या सेविंग पे रखती गई उसे, अब वो पता नहीं क्यों क्या कोई ग्लिच आ रहा है या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है कि वो मेरी एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही है वो, और वो लिटरली वो उस प्रोडक्ट के बहुत गाइडलाइंस हैं, तो वो उन्होंने कल मुझे मैसेज डाला था जबकि मैं उनको 2 दिन पहले डाल चुकी थी कि मैं अप्रूवल के लिए आपको वीडियो भेजूँ या नहीं भेजूँ या मैं डायरेक्ट पोस्ट कर दूँ, और वो मुझे कल रिमाइंडर देते हैं कि आज आपकी लास्ट डेट है, आपको आज वीडियो अपलोड मतलब कंटेंट देना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं तो आपसे ऑलरेडी पूछ रही हूँ ना कि मेरे को ऐसा करना है, आप ऐसा रिमाइंडर कैसे दे सकते हो, तो अब मैं वीडियो एक्सपोर्ट कर रही हूँ वाली हो ही नहीं रही है, तो इवेंचुअली ये निकला है कि या तो मैं उसको वापस से रीशूट करूँ या फिर मैं वापस से उसको एडिट करूँ, वापस से एडिट करने में बहुत मतलब मुझे थोड़ा सा हार्ट अटैक सा आ रहा है, बट रीशूट में भी वही दिक्कत है। और फिर आजकल क्या होता है ना, ये कॉन्टेंट जो ये वाले होते हैं ना प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्टेंट, उसमें ना बहुत गाइडलाइंस हो जाती है कि आपको प्रोडक्ट से मिलते जुलते आपको कलर शेड लेना है अपने कपड़ों का, एंड वैसा बैकग्राउंड ये वर्ड कंपलसरी है यूज़ करना, तो वो बहुत तामझाम होते हैं, तो उस चक्कर में मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस से री एडिट करके देखती हूँ, बट एक तो क्या है ना स्टोरेज इतनी भर जाती है यार, फिर मैं क्या करूँ, अब मैं काम कर लेती हूँ ना वरना मेरे को डांट पड़ जाएगी। इनको भी खाना नहीं दिया मैंने, इनको भी दे देती हूँ। मेरी शूटिंग हो गई है, अरे मतलब वो पीआर इसमें आया, थैंक यू कार्ड और दिस वाज द ब्रांड प्लेग्रिम का, इसके मुझे 3-4 पार्सल रिसीव हो चुके हैं और मैंने कंटेंट सिर्फ एक ही वीडियो का, एक ही का बनाया है। आज मैंने बनाया है हेयर ग्रोथ सीरम का कंटेंट और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, मतलब ये पूरा भरा भरा था। इसमें थैंक यू कार्ड आया है, ऑफ कोर्स इसमें बिल आया है, बिल हाउ मच वाला, ओह शिट ये मैंने ख़राब कर दिया क्या, नहीं मेरे को। और ये इसमें स्टिकर्स आए हैं जिससे मैं अपना अपना आईफोन का कवर डेकोरेट करूँगी, और हाँ तो हमारा एक फ़िल्टर जो था वो ख़राब हो चुका है, मतलब लाइक उस पर कुछ अजीब सा हो रहा था कि वो अच्छे से, ओ माय गॉड लाइटिंग तो अच्छी है, बस बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है,
तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो फिर बाय कर लिया है ये एक्वा का। हाँ, हमारा जो ओवरऑल पानी आता है ना, वो बहुत ही अजीब टेस्ट का आ रहा है। मतलब लाइक उसमें बहुत केमिकल की आ रही है। तो हमारे इस जो नया वाला है आया अभी प्योरीफाई, इसका इतना ज़बरदस्त यूज़ हो रहा है ना कि मतलब मैं भी हंस रही हूँ, बेचारा बोल रहा हूँ मैं एक दिन तो आया हूँ, आया हुआ है, थोड़ा कम यूज़ करो। एंड आई एम लुकिंग प्रीटी ना, मैं हमेशा लगती हूँ आई थिंक। कॉन्टेंट मैंने शूट कर लिया है, हेयर का कॉन्टेंट था तो मैंने शूट कर लिया है। एंड अब मैंने कुछ सोचा, मैंने शूट किया है तो फिर मैं अच्छे से लगा ही लेती हूँ उसे। और उन्होंने थीम वगैरह भी बोली थी पेस्टल ब्लू, तो मैंने पहन भी लिया है वो। बस मेरा यही था आज का डे ब्लॉग, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कोई ब्लॉग के साथ में। और मैं अपने कंटेंट इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ, तो आप लोग इंस्टा पे भी ज़रूर देखिएगा मेरे सारे कमेंट कंटेंट। और मुझे कल एक कमेंट रिसीव हुआ था मेरी एक वीडियो पे कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे दीदी, बट आप हम लोग के कमेंट्स इग्नोर मत करना। मैं जितना पॉसिबल हो पाता है रात को बैठ के मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, चाहे वो ओके हो या हाँ हो या थैंक यू हो, कुछ भी हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर एक दो कोई रह जाए तो प्लीज़, मतलब आई एम सॉरी। वीडियोज़ वायरल हुई है, लाइक 3-4 जो कॉन्टीन्यूस डांस की वीडियो वायरल हुई हैं उसमें तो काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट है, तो मैं उसमें सबका रिप्लाई नहीं कर सकती, बट मैंने सबके कॉमेंट्स पर कुछ ना कुछ रिएक्ट ज़रूर किया है। एंड मेजरली मैंने एक कॉमेंट अपना पोस्ट किया है सबको थैंक यू करते हुए, तो मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। और मैं चाहे कितने भी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोवर क्यों ना हो जाए, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती रहूँगी। एंड आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और शूट करके मुझे भी पसंद आया, क्योंकि काफ़ी टाइम पास मैंने भी शूट किया एंड आई रियली इन्जॉय दैट फील। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ कोई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना ध्यान रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। मैं गोवा के फ्रेंड्स को कुछ स्किन केयर पार्सल कर रही हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हम लगा के क्या करेंगे, और थैंक यू कार्ड भी, क्योंकि उन्हें राखी नहीं बांधी है ना, राखी पहुँचा। हाँ।